और जी आज की सुबह की जो हसीन रंगीनी है सतरंगी से, जो सतरंगी से है, क्योंकि सतरंगी जो है वो रंग बिखेरने आता है आप लोगों के घरों में, आप लोगों के दिलों में, तो वो सबको मुबारक हो और अल्लाह से दुआ है कि सबके घरों में इसी तरह की रंग बिरंगी खुशियाँ जिंदगी भर बिखरी रहें, इतनी खुशियाँ हों कि दुख जो हैं वो उनमें छुप जाएं और उनका एहसास नहीं हो। लेकिन देखिए, अगर दुख नहीं होते तो खुशियों की अहमियत हमें पता नहीं चलती। जहाँ दुख आते हैं वहाँ हमें फिर खुशियों की अहमियत पता चलती है। जहाँ दुख नहीं होते, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, तो वहाँ खुशियों की अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि जब तक हमें तकलीफ़ नहीं होती हमें खुशी का एहसास नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और दुनिया में हमारे इंसान के लिए कुछ ज़िंदगी ऐसी बनाई है कि एक खुशी मिलती है तो साथ एक दुख ज़रूर लगा हुआ होता है, या अगर कोई दुख मिलता है तो साथ एक ना एक खुशी ज़रूर लगी हुई होती है। तो इस तरह ज़िंदगी जो है हमारी बैलेंस रहती है। और अगर बैलेंस की बात करें तो बैलेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, मियाना रवि हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे कानों में बैलेंस नहीं हो तो हम सुन नहीं सकते ठीक से, हम गा नहीं सकते। अगर म्यूज़िक में बैलेंस नहीं हो तो हम बेसुरे हो जाते हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं उसमें भी एक वज़न होता है, बैलेंस होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि क्या कर रही हो तुम इस वक्त, कुछ फ़र्क लगा? जुमले में वज़न नहीं है ना, लय में नहीं है जुमला। शेरों में वज़न ना हो तो मज़ा नहीं आता। इस तरह हमारी जो पूरी ज़िंदगी है उसका बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हम जिस बेड पे सोते हैं उस बेड का बैलेंस भी ज़रूरी है, हम जिस चेयर पे बैठते हैं उस चेयर का बैलेंस भी ज़रूरी है। ज़रा सा बैलेंस आउट हुआ और हम गिर गए। तो बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में खुशियाँ और गम दोनों बैलेंस होने चाहिए। ज़रा सा खुशियों की तरह अगर बैलेंस ज़्यादा गया तो इंसान अल्लाह को ही भूल जाता है, क्योंकि देखा गया है कि खुशी में हम लोग भूल जाते हैं। तो जी दुखों दुख बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान उसमें भी परेशान रहता है। तो हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें खाने की तो खाने में भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर चीज़ की जो एक मिकदार होती है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी के तरकीब में लिखी हुई होती है, वरना वो चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें केक और कुकीज़ की या बेकिंग की या पेस्ट्रीज़ की, उसमें अगर एक चीज़ भी कम ज़्यादा हो जाए, यहाँ तक कि अगर हम हीट भी कम ज़्यादा कर दें या हम टाइमिंग भी कम ज़्यादा कर दें तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जब केक की बात आ रही है तो मुझे याद आ रहा है कि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे सिंगर हैं शबी, और शबी की जो है वो कल सालगिरह गुजरी है, और ये सबके लिए सबको विश करते हैं, जिसकी भी सालगिरह होती है ये सबको विश करते हैं। तो आज हम शबी को विश करेंगे सब मिलके साथ, ठीक है? 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे। much for wishing me on my birthday. Thank you so much. Thank you. नहीं, और भाई तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे अब्बू को, बहन भाइयों को, देखने वालों को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी सालगिरह। और अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, कामयाबियां दे, और वो सब जिंदगी में दे जो तुम चाहते हो। आमीन सुमामीन। और आज हम शो पे जो केक बनाएंगे वो शबी से कटवाएंगे, ठीक है? सही है ना भाई? और जी अब हम बात करें केक की। अच्छा, केक बहुत सारे लोग केक नहीं बनाते क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर में तो ओवन ही नहीं है, हम केक कैसे बनाएं, हम बेक कैसे करें। तो इसके लिए आज हमने आप लोगों की मुश्किल आसान की है। आज जो केक हम यहाँ पर बनवाने वाले हैं वो हम बनवाएंगे चूल्हे पे, कि चूल्हे पे केक किस तरह बनता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घरों में माइक्रोवेव या माइक्रोवेव ओवन या ओवन जो बड़े साइज़ के होते हैं वो हैं, लेकिन उनको उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आता। वो कहते हैं ये कितना रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि दुनिया में केक जो है वो हर
खुशी में इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, लोग जाते हैं लेकर जाते हैं, चाहे सालगिरह हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे किसी भी किस्म की पार्टी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, मीठे में मिठाई के अलावा केक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो जब रस्में कर रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन की, तब भी केक ही रखा जाता है, क्योंकि वो केक को काटते वक्त इतनी खुशी होती है, आय हाय हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे मियाँ की जेब काट रहे हैं। तो केक के ऊपर आज हमारा पूरा शो है, हम आपको रेसिपीज बताएंगे केक बेक, खासकर बेकिंग की, कि बेकिंग में क्या क्या चीज़ें, जैसे कुकीज़ होते हैं, इसके अलावा कप केक्स होते हैं, केक्स होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे केक होते हैं जिनमें जो पुडिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो है वो बेक करते हैं। और बेक वैसे तो नमकीन चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बेक होती हैं, लेकिन लेकिन चूँकि आज मीठे के ऊपर ज़रा हमने रखा है शो, क्योंकि मीठा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। खीर, जर्दा, सेवैयां तो सभी बना लेते हैं, इसके अलावा क्या बनाना आता है ये देखना पड़ता है। तो आज ज़रा गौर से हमारा प्रोग्राम देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बगैर अवन के किस तरह केक बनता है और अवन में किस तरह केक बनता है। अब जी अगर हम थोड़ी सी इसकी रिसर्च की तरफ आते हैं, तो जी कपकेक्स, केक्स, कुकीज़ को पसंद करने की एक वजह यह है कि 5 या 4 से ज़्यादा अज्जा इसमें नहीं पड़ते। अगर आप समझ लें कि 25-30 हज़ार किस्म की चीज़ें इसमें डलेंगी, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा 5-6 इसके अलावा इसकी रेसिपी में और ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं होती। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी मिकदार बहुत ज़रूरी होती है देखनी, कम ज़्यादा हो जाए तो ख़राब हो जाती है चीज़, बेक नहीं होती है, और टेम्परेचर देखना ज़रूरी होता है, और टाइमिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि बिल्कुल वही एक्यूरेट टाइमिंग्स हों, वही टेम्परेचर हो, उतनी ही मिकदार में चीज़ें इसमें डलें। अच्छा जी, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पहला केक जो है वो कब बना। अच्छा, सबसे पहले कप केक बना था पहले, उसके बाद बड़ा केक बना। तो पहला कप केक 19वीं सदी में बना था, और पहले ज़माने में, ये 19वीं सदी की बात करूँ, जब छोटे छोटे कप केक ही बना करते थे, छोटे छोटे कप केक्स के अलावा बड़ा केक नहीं बना था। अच्छा, पहले केक जो है उनके कोने जो हैं बहुत सख्त हुआ करते थे, और सेंटर जो है वो नर्म हुआ करता था, यानी कॉर्नर्स से बहुत सख्त हुआ करते थे। अब ये क्यों होते थे पता नहीं, वो किस तरह बनाते होंगे बेचारे जिन चीज़ों से। अच्छा, पहला बर्थडे केक 1985 में, यार ये तो बहुत करीब का है, 1985 तो बहुत करीब है, मुझे तो लगता है इससे पहले का केक होगा, आपने 19 लिखा, वही तो मैं कह रही हूँ, 19 तो बहुत करीब था। अच्छा, 1885 पहला बर्थडे केक 1885 में किसी की सालगिरह पर गिफ्ट दिया गया था बनाकर। और जी दुनिया का सबसे बड़ा केक वॉशिंगटन डीसी, हाय मेरा ससुराल, वॉशिंगटन डीसी में बना था, जिसका वज़न तकरीबन 600 पाउंड था। ओ माय गॉड, हमारे यहाँ तो 10 पाउंड इतना बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा केक दुनिया का जो है वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया, जिसका वज़न 600 पाउंड था। अच्छा जी, December 15 यानी 15 दिसंबर को दुनिया भर में कप केक डे मनाया जाता है। 15 दिसंबर को दुनिया भर में कप केक डे मनाया जाता है। 17वीं सदी में इंग्लैंड में ये कहा जाता था कि अनमैरिड लड़कियां अपने तकिए के नीचे फ्रूट कप केक रख कर सोएंगी तो उनको खूबसूरत ख्वाब आएंगे, जिसमें से वो अपने होने वाले मंगेतर को देख सकेंगी। अच्छा, ये वही वाली कहानियां हैं वो जो हमें नानियां दादियां सुनाती हैं ना, दांत टूट जाए तो टूथ फेरी आएगी उसके नीचे रख देना, टूथ फेरी आएगी आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करेगी, तकिए के नीचे रख देना, ये वही वाली कहानी लग रही है मुझे। अच्छा जी, रेड वेलवेट केक आप लोगों ने खाया है? बहुत मज़ेदार होता है, मैंने भी अभी कुछ अर्सा पहले ही खाया, मेरी बेटी तो खाती रहती थी, मैं भी खा लेती थी, लेकिन मुझे पता नहीं होता था है क्या ही, बस खा लिया जो भी आ गया। हम, मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो मैं स्पेशली जाती नहीं हूँ केक वेक लेने के लिए या पेस्ट्रीज लेने या खाने के लिए, लेकिन बेटी और बेटा, बेटी मेरी बेकिंग करती है और थोड़ी सी हेल्प उसको चाहिए होती है, लेकिन वो माशाल्लाह पिछले 4 साल से कर रही है, जब वो 5 साल की थी जब से वो कुकीज़ बनाती है, केक्स बनाती है, कप केक्स बनाती है, उसको बहुत शौक है बेकिंग का, तो वो जाके लेकर आती है, तो मैं भी खाती रहती थी, खाती रहती थी। अभी कोई कुछ दिन पहले की बात है, तो हम वो कुछ खा रहे थे, सऊद ने एक उसका वो लिया और बाइट, और कहने लगा यार ये तो बहुत मज़े का, ये कौन सा केक है, स्ट्रॉबेरी केक है क्योंकि वो रेड होता है, तो उसने कहा नहीं बाबा ये रेड वेलवेट केक है। तो हमें पता चला कि अच्छा ये वाला केक कुछ अलग ही होता है, वरना जिनको जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों से वो हर चीज़ की जो है ना वो नॉलेज रखते हैं, लेकिन जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बस उनको जो भी मिले खा लेते हैं, बस चलो मीठा आ जाए, अच्छा चलो खा लिया, बहुत कुछ अच्छा लग गया तो फिर उसकी रेसिपी पूछ लेते हैं।
तो जी रेड वेलवेट केक के लिए भी बहुत मजे की एक बात मैं आपको बताती हूँ कि एक खातून ने एक रेस्टोरेंट में सबसे पहले ये केक खाया, उन्होंने इसकी रेसिपी पूछी तो रेस्टोरेंट वालों ने उसकी रेसिपी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें $100 दूंगी, मुझे इस केक की रेसिपी बताओ। उसके बाद उस खातून ने क्या किया कि उस ज़माने में इतना ज़्यादा ये फेसबुक वगैरह नहीं होती थी, उन्होंने $100 दे के वो रेसिपी ली और उसके बाद वो पूरी दुनिया में ईमेल कर दी तमाम बेकरियों को ताकि सब वो केक बनाए, क्योंकि वो इतना मज़ेदार केक होता है। तो जी आज जो है, अच्छा इसके अलावा जो केक्स होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक ही खाया जाता है, या इसके अलावा हमारे यहाँ वो कौन सा था, क्रीम केक, पाइनएप्पल केक, ये ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन केक्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बहुत सारी किस्में हैं केक की। वो जब आएंगी हमारे पास आज हमारी शेफ़, वो भी बताएंगे आपको। उसमें आइसक्रीम केक भी है, उसमें चीज़ केक भी है, उसमें क्रीम केक भी है, उसमें फज केक भी होता है, उसमें टॉफ़ी केक भी होता है। तो बहुत सारी किस्में होती हैं केक्स के, और उनमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, क्या क्या होता है, ये तो 4-5 प्रोग्राम हमें इसके लिए करने पड़ेंगे। लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि चॉकलेट, ब्लैक फॉरेस्ट, आइस केक या कोई भी केक हो, पेस्ट्रीज और कुकीज़, ये जितने भी केक्स हैं या जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती हैं वो खुशियों में, और ख़ास कर बर्थडेज़ पे और एनिवर्सरीज़ पे इस्तेमाल की जाती हैं बहुत ज़्यादा, जो हम लोग ये यूज़ करते हैं। हाँ, क्योंकि ईद तो साल में एक ही दफ़ा आती है ना, और सालगिरहें कभी अम्मी की, कभी बहन की, कभी भाई की, कभी किसी की, कभी सभी की, तो सालगिरहें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं पूरे साल में। तो सबसे ज़्यादा केक्स और कपकेक्स जो हैं वो बर्थडेज़ पे या फिर एनिवर्सरीज़ पे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर हमारे मुल्क में और हमारे मुआशरे में। तो जी आज सब तैयार रहिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको कि बेकिंग किस तरह की जाती है। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में किस तरह कर सकते हैं, और अगर ओवन नहीं है तो ओवन के बगैर किस तरह कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बेकिंग एक ऐसा कदीम रोमानवी रिवाज है जो अब हर घर में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। बच्चे हों या जवान, सभी की पसंदीदा डिश केक होती है। इसके अलावा बच्चों की पसंदीदा डिश कुकीज भी बेक करके ही बनाए जाते हैं। सालगिरह का मौका हो या कोई और सेलिब्रेशन, सभी में बेक किया हुआ केक काट कर ही अपनी खुशियों का आगाज किया जाता है। लंबे अरसे से चलती आ रही बेकिंग की रिवायात को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। जभी तो हमारे यहाँ तंदूर में बेक किया हुआ केक भी खूब खाया जाता है। बच्चे बूढ़े हों या जवान, सभी होते हैं बेकरी के आइटम के दीवाने। इसी वजह से तो कहते हैं केक खाते जाएं और अपनी खुशियाँ बढ़ाते जाएं। जब तक हमारी शेफ तैयार होकर नीचे आती हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर ही लूं। और लावा केक का नाम आपने सुना होगा, लावा केक जो होता है वो बड़ा बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। घर में तो मैं बना लेती हूँ, एक दो दफ़ा ट्राई करने के बाद सही बनना शुरू हो गया, लेकिन अब काफ़ी अर्से से मैंने बनाया नहीं है। और अब जो है मैं आप लोगों के सामने आज बनाने वाली हूँ। और लावा केक को लावा केक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो केक जो होता है वो ऊपर से तो देखने में केक होता है, लेकिन जब उसको काटते हैं अंदर से तो चॉकलेट थोड़ी सी उसके अंदर पिघली हुई बाहर निकलती है, इससे लावा बाहर आता है। तो कोशिश करूंगी कि बन जाए, नहीं बने तो माफ कर दीजिएगा मुझे। देखिए मैं भी आपकी बनाऊँ ना, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं भी कोशिश ही कर सकती, तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी दो दोस्तों को बुलाती हूँ यहाँ पर, ताकि ज़रा मेरी हेल्प कराने के लिए कोई यहाँ पर हो। और वो भी माशाल्लाह बड़ी घरदारी दोनों कर रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, बाकी घर को भी देख रही हैं, काम भी देख रही हैं, तमाम चीज़ों में परफेक्ट हैं। लेकिन परफेक्ट होने के लिए मैंने आपको कहा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चों को टाइम देना अलग होता है, घर का टाइम अलग होता है, मियाँ का टाइम अलग होता है, काम का टाइम अलग होता है, ये तमाम चीज़ें। और अब तो ये भी कह सकती हूँ मैं कि नौकरों का टाइम अलग होता है, क्योंकि उनको भी बड़ा टाइम देना पड़ता है रोज़। तो जी
बहुत बैलेंस करके जिंदगी को चल रही हैं। आपकी बहुत सारी तालियां बुलाऊंगी तहरीन और समन को। अंदर से अभी जवाब आएगा कि कौन तैयार है और कौन नहीं है, लेकिन माशाल्लाह दोनों ही तैयार हैं। हाँ, भाई बेकिंग का कितना शौक है? बेकिंग का काफी शौक है। क्या क्या बना लेती हो? चीज केक, कप केक्स। चीज केक बेक करती हो? नहीं, वो वैसे ही। हाँ, जेलेटिन वाला जो होता है वो बनाती हूँ। सही, बेकिंग वाला मुझे लगता है कहीं मेल्ट हो जाएगा मुझे ऐसे दिमाग में। मैंने भी कभी बेकिंग वाला ट्राई नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है जेलेटिन वाला आसान है। मैं जेलेटिन वाला भी नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट उसके साथ बनाती हूँ, चीज और क्रीम के साथ। हाँ, क्रीम और चीज के साथ बनाती हूँ, लेकिन जेलेटिन डाल के। गुड। तुम्हें तो खाने का कितना शौक है बताओ? मुझे खाने का बहुत शौक है। बेसिक आती है, मतलब बेसिक केक आता है जो, और कुकीज एक दफा बनाई थी, बस बहुत हो गई। इतनी ही बेकिंग डब्बे वाली, डब्बे वाली जाती है। डब्बे वाली, डब्बे वाली भी बनाना मुश्किल होती है अगर उसमें सही आप मिकदार में चीजें ना डाल। बना लूंगी अगर एक्सपायरी से पहले, अगर उसको सही मिकदार में चीजें ना डालो तो वो भी बड़ी मसले करती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, शबी को तो मैंने सालगिरह मुबारक कह दिया। आज हमारे साथ ये सिंगर होते हैं हमारे शबी, बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी आज सालगिरह थी। और एक और चांद जो हमारे हैं मेकअप आर्टिस्ट, जो अक्सर आपने नाम सुना होगा चांद का, चांद की भी आज सालगिरह है, तो चांद को भी हम विश करते हैं। शबी, अब आप जरा माइक उठा लें और चांद को विश करें हम। चांद, तुम्हें बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। राजा भी कहते हैं उसको, चांद राजा। हम कभी कोई राजा कहता है, कोई चांद कहता है। और अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, कामयाबी दे और जिंदगी की तमाम खुशियां दे। आमीन सुमा आमीन। और जी, आज थोड़ा सा तजुर्बा कर ले लावा केक का। लावा केक बन रहा है। लावा केक, लावा। अच्छा जी, है चॉकलेट है ना ये? हाँ, मेल्टेड चॉकलेट। अच्छा, इसके लिए जी जो चीजें हमें चाहिए हैं उनमें 3 अंडे हैं और मक्खन है। आप बना रही हैं? कोशिश कर रही हूँ यार बनाने की। आज मैं यहाँ पर पहली दफा, घर में तो मैं बनाती रहती हूँ लेकिन यहाँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हर चीज का बहुत ध्यान रखना है। मैं अपना कार्ड ले आऊं क्योंकि उसमें मैंने लिखा हुआ है कौन सी चीज कितनी कितनी डलती है। बेकिंग में तो बहुत ख्याल रखना है, है ना? हाँ, मैं वही बात कर रही थी कि अगर एक भी चीज कम ज्यादा हो जाए तो गए आप काम से। अच्छा, ये मेल्ट करना पड़ेगा पहले, मक्खन जो है वो मेल्ट होगा उसके बाद जो है वो बनेगा। इसमें ना कर ले। अरे यार, ये क्या है? ये जल रहा है? अरे इसमें क्या रखा हुआ है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चमचे वगैरह यहाँ पर पड़े हैं सारे। अच्छा, सबसे पहले तो हम जिसमें हमने केक बनाना है उसमें हम लगाएंगे ये बटर। उसके लगाने की वजह ये है कि जब आप बेक करते हैं तो चीजें जो है वो अंदर स्टिक नहीं होती, चिपकती नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। आता है ना? थोड़ा थोड़ा। ये हुई ना बात, थोड़ा थोड़ा क्यों आता है अगर ज्यादा। अच्छा, मैं जब तक बनाती थी ना, बना रही थी जब छुट्टियां थी बच्चों की तो रोज ही बना रही थी तकरीबन। उसके बाद हम चले गए, जब चले गए तो फिर नहीं बनाया जाहिर है। लेकिन जब छुट्टियां वुट्टियां खत्म हो गई, यहाँ आ गए तो बनाना छोड़ दिया। अब जब बनाना छोड़ दिया तो हम भूल जाते हैं ना कोई एक इंग्रेडिएंट जो है वो रह जाता है। ये लो, मैं आपकी हेल्प करूं? जी प्लीज, थैंक यू। अच्छा, ये इसको करने के बाद इसमें हमने डालनी है ये शुगर। डाल दें या मैदा डाल दें, कुछ भी डाल दें आप। मैं तो शुगर, क्योंकि वो बटर लगा हुआ है तो शुगर बटर पे जो है वो चिपक जाएगी और इस तरह से जो हम इसमें बटर डालेंगे वो इस पर चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो ये तो हो गई चलाकियां। ये हो गई चलाकियां। अब चलाकियों के बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम, अच्छा ये मेल्टेड है यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है चॉकलेट, ये देख लें। कुकिंग चॉकलेट कोई सी भी आप ले लें, बाजार में मिल जाती है। डार्क चॉकलेट इसमें डलती है। डार्क चॉकलेट लेके आप इसको चूल्हे के ऊपर मेल्ट करें। किस तरह करेंगे? या तो आप ओवन में भी कर सकते हैं, या फिर आपने पानी डाला देगचे में एक, उसके ऊपर आपने ये रखा और उसके बाद पानी के अंदर ये रखा आपने, ऐसा आप साइज लेंगे उसका और उसके बाद उसमें चॉकलेट डाली और आप हिलाते रहेंगे तो वो मेल्ट होती रहेगी। चाहे तो 3-4 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं तो उससे जरा जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, अंडे
अंडे कौन तोड़ेगा? तीन अंडे इसमें डालेंगे और पूरे या एग वाइट? तीनों नहीं, पूरे फुल। अच्छा जी, तीन अंडे डालेंगे। अच्छा जी, बटर जो डलता है वो 4 ounce यानी कि 4 ounce डलता है और हाफ कप। अच्छा, मसला ये होता है कि हमारे यहाँ ना हमें साइज नहीं समझ में आता, हमें इनके साइज भी समझ नहीं आते कि चमचे का कौन सा साइज लेना चाहिए। अगर 4 ounce हो तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये जो जितनी ये है ना, इतनी एक कप जो होता है, तो आधा कप आप मक्खन ले लें, इजीली मिल जाते हैं, हाफ कप मक्खन ले लें आप। अरे थैंक यू यार, तुम तो सारे काम करी मेरे, थैंक यू सो मच। जब तक तुम ये करो मैं इसको प्री हीट कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसके ऊपर लिखा होता है। और ये मेरा जो है इसका मैक्सिमम जो है मेरे पास 120 है, ये 120 है, 200 इसमें है ही नहीं। तो 120 पे जब हम बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा ज्यादा देर तक बनाएंगे। 200 सेंटीग्रेड पे हम 10 मिनट्स के लिए बेक करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है ना, 200 ये रहा, 230 था क्या? ठीक है 200। और अगर वैसे भी अगर आपके पास ऐसा अवन हो जिसमें अगर आपको 400 करना है, कुछ करना है, तो अगर आपके पास इतना ज्यादा उसमें वो नहीं है तो आप उसको ज्यादा देर तक बना सकते हैं। जैसे अगर फर्ज करें कि अगर हमारे पास 400 पे करना है हमने और हमारे पास 200 तक का है, तो 10 मिनट्स अगर करना है तो आप उसको 20 मिनट्स कर दें। ये आसानी होती है कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने ऑन क्यों नहीं हो रहा? ये ऑन है, हो गया सही है। यहाँ पे लाइट्स बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा। घर में तो अंधेरा होता है ना, सुन करके लाइट जलती है इसकी। यहाँ पे लाइट इतनी है कि पता नहीं चल रहा अंदर लाइट जल रही है कि नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे, ये तीन अंडे हैं, इसमें हम बेकिंग पाउडर, हाँ नहीं शुगर डालेंगे। वैसे अगर आपके पास सुने, इसमें एक चॉकलेट होती है जो कि फीकी मिलती है, जो कि कुकिंग चॉकलेट होती है, ठीक है? अच्छा, मेरे पास जो ये चॉकलेट आई है डार्क चॉकलेट, ये मीठी वाली आ गई है। वैसे मीठी वाली भी डाल सकते हैं आप, अगर घर में चॉकलेट्स बहुत सारी पड़ी हैं आप उनको मिक्स करके डाल दें, लेकिन जो कुकिंग चॉकलेट होती है वो फीकी होती है। तो अगर आप कुकिंग चॉकलेट लेंगे फीकी वाली, तो उसमें आपने कम से कम 1/3 cup चीनी डालनी है। अच्छा, चीनी कौन सी? पिसी हुई जो मिलती है, आप खुद भी पीस सकते हैं घर में। तो आइसिंग शुगर जो होती है वो डालनी है। अब मेरे पास तो मीठी वाली है तो मैं इसमें शुगर जो है नहीं, मेरे ख्याल है नहीं डालूं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बहुत मीठा हो जाएगा ये। अच्छा जी, इसके अंदर मैं मैदा डालूंगी। मैदा जो आपको पता है कि मैदा तो डालना जरूरी होता है हर चीज में, सबको ही पता है, सब इस्तेमाल करते हैं। और जी, इसमें लिखा हुआ है हाफ, वही 1/3 cup जो है ना मैदा डालेंगे। ये वाला है मेरा ख्याल, नहीं ये रहा, ये है 2/3। मैं तो वैसे अंदाजे से डाल दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। परफेक्शन है ना घर में, है हमारी परफेक्शन होती है। ये हो गया 1/3। और इसमें मेरे ख्याल है पहले हम इसको मिक्स करेंगे, हाँ, बीट करेंगे। बड़ा दूर उड़ के करना, चलो करो, उड़ेगा, हाँ करो करो, अच्छी तरह करना है इसको, बहुत अच्छी तरह। और जब ये हो जाए ऐसा, ये भी जिस ख्याल है सब चीज़ एक साथ ही डालनी, वरना इतनी बड़ी बड़ी गुटलियाँ बन जाएंगी, फिर कोफ्ते आएंगे बीच में बड़े बड़े। हो गया ये? अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे, रोकना आपने देखा है ये आप हाफ डाल दें, हाफ, हाँ हाफ काफी है, बल्कि उसमें मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था तो ये हाफ हो जाएगा। अच्छा जी, जब तक हम इसको सॉल्टेड यार, सॉल्टेड बटर हो तो आपने नमक नहीं डालना है, और अगर बटर सॉल्टेड ना हो, नमकीन बटर ना हो, तो आप एक चुटकी नमक डालें, क्योंकि नमक की जो वो होती है ना, वो जरूरी होती है ठंडा। हम जब तक ये करें, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। तमाम चीजें मिक्स कर ली हैं, चॉकलेट भी इसके अंदर डाल दी है, और मैं आखिर में आपको एक दफा फिर बता दूंगी क्या क्या चीजें कितनी कितनी डाली हैं। और ये है वेनिला एसेंस, ये हम डाल रहे हैं, ये भी 1/2 teaspoon डलेगा ताकि खुशबू जरा अच्छी आए। और देखने से तो अच्छा लग रहा है, देखने से अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, अब ये इसका बैटर जो है वो तैयार हो गया, अब हम इसको
इसके अंदर डालेंगे ये ऐसे करके, और आप चाहें तो इसके अंदर बीच में एक चॉकलेट भी रख सकते हैं, कोई सी भी जो आपके बच्चों को पसंद हो, इसके बीच में आप डाल सकते हैं ऐसे करके, और उसके ऊपर दोबारा से आप ये बैटर डालें। गिरा गिरा गिरा, टिश्यू है यहाँ पर, ये रहा। दूसरे में जरा आप खुद डाल देंगे, जरा ये लीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, एक चीज मैं बता दूं कि ये पूरा फुल मुंह तक नहीं भरना आपने, इसलिए नहीं भरना फुल मुंह तक क्योंकि ये जब पकना शुरू होगा तो ये वैसे ही फूल के ऊपर आ जाएगा खुद ही, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आपने कम से कम 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, वैसे तो 10 मिनट्स करते हैं, वैसे 10 मिनट्स करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, चॉकलेट यहाँ पर रखी हुई है, मैं तो कह रही डायरेक्ट खा लूं। खा लो, कोई टेंशन नहीं, हम उसको वैसे भी बना सकते हैं, डोंट वरी, हम दिखाएंगे कि बगैर उसके। तो थोड़ा सा और इसको डालते हैं, इसमें से आवाज आएगी कि चॉकलेट खा ली गई है। और या अल्लाह इज्जत रख लेना, या अल्लाह इज्जत रख लेना। और जी अभी बहुत अच्छा है, फिकर नॉट, थैंक यू सो मच। और ये अवन जो है वो प्री हीट हो चुका है, तो हम इसको अवन में रख देंगे। कितने मिनट्स के लिए होगा ये? यार मैं 15 मिनट्स के लिए रखती हूँ। 15 मिनट, हाँ। अभी तो शो खत्म हो गया तो है। अगर शो खत्म हो गया नहीं होगा, डबल पे किया। हम जब स्कूल में होते थे ना, तो कहते थे कि सफाई के मार्क्स अलग से मिलेंगे। अच्छा, तो आप ही, आपको मार्क्स नहीं देंगे हम? यार नहीं देना, आपने सफाई तुमने की है, सफाई तुमने करनी थी एक्चुअली। अच्छा जी, ये हो गया है, और अब यहाँ पे हम इसको उठाकर बल्कि यहाँ पे साइड पे रख देते हैं जो चीज़ें बच गई हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि मेरी टीम ने यकीनन तजुर्बे करने हैं इसके बाद, कि हमारी जो चीज़ें भी बच जाती हैं उस पर हम अंदर तजुर्बे कर रहे होते हैं बाद में, सब सीख साख के ना फिर यहीं पे बना रहे होते हैं। तो जी, मेरी दोनों दोस्तों के लिए बहुत सारी तालियां, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। और जी, अब मैं जिस मेहमान को बुलाने वाली हूँ उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, आज से काफ़ी साल पहले मैंने एक मॉर्निंग शो किया था किसी चैनल से, उस वक्त हम लोग लाइव मॉर्निंग शो नहीं करते थे, प्राइवेट चैनल्स वाले, और वो मॉर्निंग शो जो है वो रिकॉर्ड होता था, और एक या दो मॉर्निंग शो रिकॉर्ड होते थे और उसके बाद वो सुबह चलाए जाते थे, यानी एक साथ 10-10, 12-12 एपिसोड्स रिकॉर्ड कर लिया करते थे और फिर वो चलती थी। और ये बात तकरीबन मेरा ख्याल है, ये तो वही कंफर्म करेंगे आके, कम से कम भी अगर आप सोचे तो 15-16 साल से पहले की बात है ये। तो वो मेरे साथ उस शो में पहली दफ़ा आई थी, और उन्होंने उस वक्त फर्स्ट टाइम टीवी पे कुकिंग करनी शुरू की थी, और अब माशाल्लाह उनका नाम हर जगह है इस फील्ड में। वो पिछले पता नहीं कितने सालों से, मेरे ख्याल पत्थर के ज़माने से इस फील्ड में है माशाल्लाह। और सिर्फ वही नहीं, उनकी बेटी भी इस फील्ड में है, और एक बड़ी अच्छी बेकरी भी उनकी है डिफेंस में खुली हुई, जहाँ से हम अक्सर केक लेते हैं और उन केक्स को इंजॉय करते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हम सबकी बहुत ही प्यारी शेफ राहत। यूं मुक्के दिखाती हूँ, आने के भी बताती हूँ तुम्हें आकर मैं। तुम्हें मालूम है इस बात का, पत्थर के पत्थर तो मैं भी तो जबकि हूँ वही तो, और मुझे अच्छी तरह याद है, पत्थरों से ही काम करेंगे, पत्थरों से काम करेंगे। आपको याद है शेफ राज हम करते थे, आप मेरा हाथ जलवा देती थी जानबूझ के, याद है? पकड़ो पकड़ो, गरम नहीं है, याद है? हाथ जलवा देती थी, पकड़ो जवेरिया गरम नहीं है, मैं ये पकड़ती थी, चीख मारती थी, और ये हंसती थी खूब मजे से, क्योंकि इनका हाथ जलता ही था, मेरा जल जाता था। लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें इनसे भी सीखी है बनाना। नेकों के हाथ नहीं जलते हैं, नेकों के हाथ नहीं जलते, नेकों के नहीं, जिनको आदत हो चुकी होती उनके नहीं जलते, क्योंकि इसी खत्म हो चुकी होती है। हमारी माओ के कहाँ जलते हैं, हमारी अम्मा यूं यूं उठाती है रोटी गरम गरम, यूं पलट देती है, और हम चमचे चिमटे ढूंढ रहे थे, चिमटा कहाँ है। आज हमने लोगों को बताया कि वो
लोग परेशान ना हो जिनके घरों में अवन नहीं है, माइक्रोवेव ओवन नहीं है, वो लोग घर पे किस तरह से केक बेक कर सकते हैं, ये आज हमें शेफ राहत बताएंगी। और ये आपको और कोई नहीं बता सकता, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि और मैं भी जरा देखूंगी। कभी कभी लाइट नहीं होती और सब कुछ बन चुका होता है, हम परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, जिनके पास इलेक्ट्रिक ओवन होता है उनकी तो बड़ी मुसीबत आ जाती है, बिल्कुल, चीज बनी हुई है या ओवन के अंदर है, आधी बेक हो गई और फिर गई लाइट। और अक्सर ऐसा होता है कि जनरेटर पे ये चलता भी नहीं है, ओवन नहीं चलेगा, ट्रिप होता रहता है बार बार, काफी। तो आज जो है हमारी जो शो की हीरोइन है वो हमें बताएंगी कि हम बगैर ओवन के किस तरह से केक या कपकेक्स बना सकते हैं। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा जी। केक के अलावा हर वो चीज जो ओवन में बनती है वो इसमें बनती है बहुत सक्सेसफुली, और लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 8 बरस पहले मैंने ये इजाद किया था, और इन आठ बरसों में कितनी खवातीन ऐसी कहती राहत, हमारा तो ये जो देगची का ओवन है ये तो चूल्हे पे चढ़ा ही रहता है। तो मेरे जहन में ये था कि देखो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्यों तरसे, बिल्कुल, किसी छोटी सी चीज़ के लिए क्यों तरसे, या बाजार से बच्चों को ना दिलाना चाहें। बाजार से हाइजीन के भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं और महंगे भी बहुत हैं। महंगा है तो एक औरत जिसका छोटा सा घर है या छोटा सा किचन है और वो भी सोचती है कि मैं अपने बच्चों को कुछ बना के दूँ, तो सबसे अहम ये पॉइंट मेरे जहन में था, तो फिर मैंने इस पर काम किया। वेरी नाइस। और एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, हम सब आपको किचन में मिलेंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। पहुंच चुकी हैं और बिल्कुल तमाम चीजें जो है रेडी हैं। चल के पूछते हैं कि सबसे पहले क्या बना रही हैं राहत, सबसे पहले क्या बना रही हैं? सबसे पहले चॉकलेट केक बनेगा। चॉकलेट केक, चॉकलेट केक है, उसके साथ हम कपकेक्स बनाएंगे। कपकेक्स, अच्छा। ये स्टोन ओवन में बना हुआ है, हर चीज स्टोन ओवन में बनी हुई है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और ये अभी तुम्हारे सामने ये छत ना बेक हो पाए, इतना टाइम नहीं है, लेकिन हमारे कप केक्स जो हैं वो बनेंगे, क्योंकि मुझे इसको खाली भी करना है, ठीक है। और इसमें हम वो मिक्सर डालेंगे, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये बेक्ड केक है और ये हमारे रखे हुए हैं जो कि कपकेक्स, हाँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमें डेकोरेट भी करना है। सही। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, 3 कप हमें मैदा चाहिए, सही, और 2.5 प्याली चीनी चाहिए जो कि पीसनी है, साबुत चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें 1.5 प्याली हम डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर, कोको पाउडर जब भी चॉकलेट केक बनाए, और अगर रेसिपी में है कि उसमें आप कोको पाउडर डालेंगे, तो वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें और डार्क कलर का लें, ठीक। तो उससे यह है कि आपके केक का देखो कितना शानदार कलर आया, बिल्कुल ब्राउन कलर आया, बिल्कुल वेरी नाइस। क्योंकि जितना अच्छा कोको पाउडर या आपकी चॉकलेट होगी, उतना अच्छा आपका चॉकलेट केक बनेगा। कितना कितना डाला था आपने, मैदा कितना था? ये 3 कप मैदा है। 3 कप मैदा, 3 और 2.5 कप शुगर। 2.5 कप शुगर है। अच्छा, अब इसमें ये कितना है? ये 1.5 कप। 1.5 कप। अच्छा, ये जितनी ड्राई चीजें हैं ना, हम सारी चीजों को एक साथ डाल देंगे, ठीक है। 1 खाने का चमचा खाने का सोडा, खाने का सोडा इसमें डाल देंगे, क्योंकि सब चीजों ने एक साथ ही जाना है, सही। और खाने का सोडा, मीठा सोडा, सेम एक चीज है, अंग्रेजी में सोडा बाइकार्ब या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और मीठा सोडा, खाने का सोडा एक ही नाम है सब। अच्छा, इसके अलावा ये तकरीबन 1.5 चाय का चमचा है नमक। अच्छा, नमक जरूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है, सही। 1.5 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चमचा सोडा है और 1.5 चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर। और ये चीजें ऐसी हैं कि आप एक एक डब्बा ले लें तो 4-4, 5-6 दफा बना, बल्कि ज्यादा टाइम बना सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी, लेकिन ये महंगी भी नहीं आती चीजें ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि ये जो सारी चीजें मैं डाल रही हूँ, सारी छानी हुई है। अगर आप छानी, यानी इसमें वो नहीं है गुठलियाना बनी, इनको सबको आप छान में, अब ये सारे मिक्स करने के बाद भी आप छान सकते हैं, सही। अगर आपकी चीनी पिसी हुई है, बड़े आराम से छानी जाएगी। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा ये तो सारा मिक्स होता रहेगा, इसके अलावा मैं बहुत अहम चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम
स्टोन अवन पे काम कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और इसका नाम है राहत स्टोन अवन, पूरी दुनिया जानती है इसको। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इसमें किस तरह से, भूल गए होंगे हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं बताया। तो इसमें बेकिंग कैसे होगी, सबसे पहले आपका चूल्हा बहुत अच्छा होना चाहिए, तेज जलना चाहिए, आपकी देगची बड़ी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जब आप केक का पैन रखेंगे, जो बर्तन आप रखेंगे, जैसे हमारा ये है, देगची का साइज इससे बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं होगा तो ये फंस जाएगा अंदर और फिर निकलेगा नहीं, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इसको आप पहले गर्म करेंगे, केक की तैयारी करने से पहले आप गर्म करेंगे, और मैं दिखा देती हूँ अंदर से, नजर आ जाएगा ना? हाँ, इधर आ जाएगा, दिखा सकते हैं जरा? अच्छा, ये राहत है, राहत, राहत स्टोन अवन, ये राहत नहीं है ये राहत स्टोन अवन है। यहाँ पे हमने इसलिए रखा है कि भाई चूल्हा चाहिए था जो कि, और इसमें अच्छा पत्थर रखे हुए, इस पे स्टोन रखे हुए, स्टोन रखे हुए, और ये वो स्टोन हैं जो कि आपको नर्सरी पर या समंदर के किनारे बड़े आराम से मिलते हैं, प्यारे लगे हैं, ठीक है ना? इसको आपने गरम कर लेना है अच्छी तरह से, जब ये गरम हो जाएगा, ये गरम होता रहे, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, अगर वो ठंडा है और आपका ये तैयार हो गया है तो फिर खराबी, वो गरम होना चाहिए, वो गरम इलेक्ट्रिक ओवन को गरम करके हीट में रख के फिर रखते हैं। सब चीज को बहुत ही अच्छी तरह से गरम कर लेना है। अच्छा शेफ, ये बताएं कि टाइम सेम रहता है इनका इलेक्ट्रिक, ऑलमोस्ट कभी ये पहले बना देता है, मतलब 30 मिनट से भी पहले बना, बिल्कुल। अच्छा, हमें चाहिए होंगे इसमें दो अंडे और, अच्छा पानी मुझे चाहिए, गरम गरम पानी भी चाहिए, ये रखा मिल गया और इसको वो कर, तो बहुत गरम है, ज्यादा गरम हो गया ना, आप उठा सकते हैं, मैं नहीं उठा सकता, नहीं नहीं हम क्या करेंगे, ठंडा पानी मिला लेंगे। देखिए, आपने अभी कहा था कि नेक के हाथ नहीं जला, मेरे हाथ नहीं जला, देख नेक बीबी आगे बताएं क्या करेंगे, देखो नेक बीबी ने उठा लिया है, तुम्हारे सामने उठाया। अच्छा भाई, मुझे जरा जग दो, जग ये वाला, हाँ जग, इसमें ठंडा पानी, हाँ कोई मसला नहीं, हम ठंडा गरम मिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर उसका सही है। जरा ये देखती हूँ जब तक पीछे क्या हालात चल रहे हैं। आपके आने से पहले हमने लावा बनाया। अच्छा, कोशिश की है बनाने की, आप मार्क्स दीजिएगा बने या नहीं बने। अच्छा भाई, इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप पानी ठंडे वाले, अब मैं थोड़ा गरम डाल देती हूँ, मुझे ये था कि अंडे के ऊपर ना चला जाए ना, अंडा पकना नहीं चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर हम इसका डाउन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दही, दही दही डालेंगे हम इसमें, 2 टेबलस्पून लग रहा है, तकरीबन 3 टेबलस्पून, और 1/3 प्याली तेल है, अच्छा पानी अभी और जाएगा थोड़ा सा, ये गर्म पानी जाता है इसमें, पानी इसमें अच्छा खासा जाएगा। ये क्या बन रहा है? ये आप तो डाइट पे हैं, आप तो नहीं खा सकेंगे। क्यों, इसमें क्या चीज़ ऐसी? ऑयल। अच्छा, अगर हम ऑलिव ऑयल यूज करें। अच्छा सुने, नहीं केक का टेस्ट खराब हो जाएगा और दूसरी बात ये कि डाइट के लिए ये क्यों समझते हैं खाली ऑयल ही खतरनाक है? सबसे ज्यादा तो ये है कि आपने यूज क्या किया है खाने के लिए, वो खतरनाक है, ये रखना। आज तो मेरा चीट डे, तो बन गया। देखिए इसकी शक्ल तो कुछ सही लग रही है ना आपको? नहीं नहीं, एक मिनट अभी हम इसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उस्ताद जी जरा बताइएगा। अरे हमारे पास चीनी और इसके साथ जो है, हाँ ये रही ना, इसके साथ जो है हम आइसक्रीम भी रख के दे सकते हैं। भाई आइसक्रीम लेकर आए जरा, पहले मैं इसको काट के तो देखूँ ना जरा इसके क्या हालात है। चम्मच से काट लेना, इधर से कोई देख रहा है? हाँ, आ हा 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 हा, देख रहे हैं आप लोग, ये लावा निकल, ये मैं जरा सबको दिखाकर आ जाऊं। आप, अच्छा मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। हाँ, आप ही, इसमें मेरी 50% मेहनत थी। ये देखे, आ रहा है नजर, आ रहा है नजर। अच्छा, ये जो पहले जो रखा हुआ था उसमें हम ऐड कर, हाँ उसमें सारा ये लिक्विड हम ऐड कर देंगे। सही, ये
आपकी हर के बाद नहीं मिक्स हो जाएगा। अच्छा ये इसमें करनी होगी बस हमने इसको। हाँ हाँ बताएं आपने और क्या डाला है इसमें? जो हमने इसमें दही डाला था और थोड़ा गर्म पानी डाला था और ठंडा पानी, दोनों पानी डाले थे और तेल डाला था ना हमने इसमें एक तिहाई प्याली, उन सारी चीजों को जो ड्राई चीजें थी उनमें डाल दिया। अब मशीन चलाने की जरूरत पड़ेगी भाई, मशीन है ये इसका वो कहां गया? मशीन है, मशीन का सामान लेकर आए, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हम वापस आएंगे। इसको मिक्स कर ले। हाँ हाँ ब्रेक में मिक्स कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सारा डाल, चीजें सारी डाल दें आप। चीजें सारी डाल दी। तो मामी क्या डाला आपने? मक्खन? नो नो, पानी। इसमें एक तिहाई प्याली तेल है, सही, चार खाने के चमचे दही है और तकरीबन तीन प्याली हमने पानी डाला जिसमें एक प्याली हल्का गर्म पानी। सही। तो जी छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। आइसक्रीम डाल दी है, जब ये गरम गरम लावा केक चॉकलेट मेल्ट चॉकलेट वाला उस पर हम आइसक्रीम डाल के ठंडी ठंडी खाते हैं तो ये कितना मजे का लगता होगा ये आप लोग अंदाजा ही कर सकते हैं, इसे खा नहीं सकते। और अब आपको ठीक लगा केक? सही था, गुजारे लायक था? हाँ बिल्कुल, खाने लायक था, गुजारे लायक नहीं, वो अच्छा केक है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू सो मच, बस यही पूछना चाह रही थी मैं। अच्छा आप ये काम करते हैं, देखो मिक्स कर लिया ये, मैं रख लूं बेक करने के लिए। पहले ये देखें इस तरह मैं भर के बता दी, ये आपको मिल जाती है बहुत आसानी से बाजार में और एल्युमिनियम फॉइल के हैं, लेकिन ये रखना जरूरी है, जरूरी है ना। हाँ, ये कागज का जो इसका कवर होता है खुल जाएगा सारा, ठीक है ये मैं भर के बता रही हूँ। अच्छा आप इसको हम क्या करेंगे? मैं इसको अवन में रख रही हूँ, अवन में जो हमारा स्टोन अवन है, स्टोन अवन, राहत स्टोन अवन, राहत स्टोन अवन। आ जाओ जरा, थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए टिश्यू, हाथ जल रहा है, नहीं नहीं हाथ जल रहा है, ये रहा, निकाल के देना, अच्छा जरा मोटा सा निकाल। इसमें जो जो चीजें डाली थी वो एक दफा फिर हम आपको बता देंगे, तो परेशान ना होइएगा। अच्छा इसमें मैंने ये इसको बराबर करना जरूरी है, वरना क्या होगा कि आपका केक जो है ना वो बैलेंस करना जरूरी है। अच्छा देखिए कि गरम किया है और उसके अंदर डाले हैं वो बड़े वाले जो पत्थर होते हैं गोल वाले, और उसके बाद उसके ऊपर एक और ढक्कन रखा है और उस ढक्कन के ऊपर ये जो है ना चीजें रखी जा रही हैं। मुझे ज्यादा हाइजीन लग रहा है। हाँ इलेक्ट्रिक में रेज होती है ना। हाँ वेरी नेचुरल वाकई। जबीरिया एक और भरू? अच्छा जी बिल्कुल, देखो कप है हमारे पास ये। जी जी बिल्कुल है, निकालना नीचे से, इसमें नीचे है कप, ये ले लो, हाँ रखो, एक और हमारा आ जाएगा आराम से, ये लीजिए और नहीं बस बस हो गया। अब हम इसे बंद कर देंगे और तकरीबन 5-6 मिनट बाद देखेंगे बस। हाँ 6 मिनट्स ओनली हम चेक करेंगे, ठीक है चेक करें ना, सही है। अच्छा भाई ये आप क्या करें अब ये, क्योंकि वो छोटे थे जल्दी बेक हो जाएंगे तो इसलिए हमने उसको पहले रखा, ठीक है, और इसको हम बाद में रख रहे हैं बड़े वाले केक को ना, ठीक है। फिर ये होता रहेगा आराम से, इसको तकरीबन लग जाते हैं 35-40 मिनट्स। हाँ सही। तो इस वजह से इसको मैं बाद में रखूंगी, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। सही है, तो इसको फिल तो कर लेते हैं ना हम लोग अभी। मैं डाल रही हूँ इसमें जी। अच्छा ये ख्याल रखेंगे, लोगों को ये बहुत पतला पतला लग रहा होगा लेकिन ये बहुत अच्छा है मिक्सचर। बटर पेपर नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं कोई जरूरत, मैंने उसको ऑयल कर दिया ना। अच्छा आजकल एक और भी वो इस तरह के वो आ रहे सांचे ना उनके, हाँ, जिनमें क्लिप लगे हुए। अच्छा वो अलग चीज़, वो क्लिप वो अगर खोल दें तो हाँ, नीचे से ऐसी ताज़ा ताज़ा चीज़ें आ जाती है बिल्कुल। अच्छा नहीं वो अगर हमें किसी चीज़ को अपसाइड डाउन करना है या हमें अनमोल्ड करना है वैसे ही कि वो ऊपर से ख़राब ना हो, अच्छा, तो हम लूज बॉटम पेन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अच्छा इसको तो हम साइड पर रखेंगे। अच्छा इसको इतना भरेंगे, दिखा देंगे कितना फिल करना है। देखो भाई इतना भरेंगे, ये देखिए ये भी फूलेगा ऊपर। हाँ पूरा ऊपर तक आ जाएगा। अच्छा आप एक दफा दोबारा से ना सबको बता दीजिए आपने क्या क्या चीजें डाली हो, कितनी कितनी डाली। लिखे बेस्ट चॉकलेट केक इसका नाम है, और आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको लेना है 3 कप मैदा, 1.5 प्याली कोको पाउडर है और 2.5 प्याली इसमें चीनी है, ठीक है, और
अंडे हैं दो, दो अंडे, चार खाने के चमचे दही, चार खाने के चमचे दही, दही एक अदद प्याली ऑयल की, दही तो मैंने पहली दफा सुना है, दही और चॉकलेट केक में दही इतना कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत उसको केक को बनाने में और उसको मॉइस्ट रखने में बड़ी हेल्प करता है। दही कितना? चार खाने के चार चमचे, खाने के चमचे और एक तिहाई प्याली कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, मक्खन नहीं डालेगा? नहीं, मक्खन नहीं डाला मैंने इसमें। और एक खाने का चमचा खाने का सोडा, डेढ़ चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर, और डेढ़ चाय का चमचा ही इसमें है नमक, नमक, ठीक है। अब हम इस पे काम करेंगे जी। अच्छा जी, मेरे ये ले। मेरा वो नज़र नहीं आ रहा भाई, वो क्या पाइपिंग बैग है, मेरा नोजिल है वो बैग मुझे ये रही, ये रही बता, ये रही नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, नहीं ब्लू ये वाली? उस पर नहीं, ये भी नहीं, ये दूसरे काम का है, ये रहा, ये हम दूसरा, ये रहा मेरा, सब यही रखा हुआ है। आप मेरी नजर से देखें, मेरी नजर से देखें, जब एरिया तुमने छुपा दिया है तो मुझे पहले भी परेशान करती थी ना जी, बिल्कुल अब भी कर रही हूँ। नहीं कसम से नहीं कर रही, पहले मैं करती थी, अब मैं हाथ जलाती थी इसलिए मेरी की चीजें छुपा देती थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था ऐसा, बस ये है कि हम दोनों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सिर्फ उसके हिसाब से ही बातें करते हैं। अच्छा जी, ये जो बैग्स हैं ये बड़े आराम से सब जगह मिलते हैं और ऐसे होते हैं जिनका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दो दो के, हाँ धोना लाजमी है। ये इसका डेकोरेशन का है और बहुत सारे डिज़ाइन के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप स्टार और सस्ती चीज़ें हैं, महंगी नहीं है, स्टार शेप का ले लें जो कि आपके बहुत सारे डिजाइन बना देगा, स्टार शेप, स्टार शेप में, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने बनाई हुई है ये भाई यहाँ नहीं बन सकती थी क्योंकि इसको तकरीबन 6-8 घंटे रखना पड़ता है, रखना पड़ता है इसको, हाँ क्रीम है ना ये, इसमें है ये जो मैंने बनाया है इसकी मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ, हाँ कि इसमें तकरीबन 500 ग्राम चॉकलेट है, 500 ग्राम चॉकलेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये चॉकलेट है, और चॉकलेट हमेशा जब भी लें डार्क कलर की, डार्क उस पर लिखा होगा डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उससे जो भी आप चॉकलेट से चीज़ बनाते हो अच्छी बनती है। सही। और इसमें तकरीबन मैंने डाला है 700 ml, हम क्योंकि लिक्विड में है तो हम ml में बताएंगे इसको, क्रीम है और पहले चॉकलेट को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद जब उसको फिर उसको थोड़ा सा ठंडा किया, वहीं पर साइड में रख के, जब वो ठंडी हो गई तो फिर हमने उसमें क्रीम जो फेंटी हुई थी उसमें थोड़ी सी शुगर डालेंगे क्योंकि चॉकलेट मीठी होती है। इसको आप चख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको अगर चीनी में कमी महसूस हो रही है तो आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आइसिंग शुगर को यूज़ करेंगे तो आइसिंग शुगर ऐसी ही होती है कि वो जैसे ही डालेंगे फौरन घुल जाएगी, फौरन मिक्स हो जाएगी। अच्छा, उनको मिक्स कैसे करना, फेंटना है? क्रीम को आप थोड़ा सा फेंटेंगे, ठीक है, जब वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो उस चॉकलेट में इसको मिक्स कर देंगे। चॉकलेट जो हमने मेल्ट की हुई मेल्ट वो थोड़ी गर्म होगी या बिल्कुल ठंडी हो जाएगी? जब बिल्कुल ठंडी होगी तो वो जम जाएगी, उसकी बस गर्माई निकले, क्योंकि हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो, क्रीम में हम गर्म चॉकलेट नहीं डाल सकते क्योंकि फिर क्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो हाँ बेकिंग इज साइंस। अच्छा, अब मैं इसको, अच्छा कुकिंग चॉकलेट जो होती है हम डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम उसी चॉकलेट को यूज़ करते हैं। ये काट रही है? हाँ, मैं सेंटर फिल करूँगी ना इसका। अच्छा 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 अभी ये बर्थडे केक तो नहीं बन रहा जिनकी बर्थडे है? अच्छा, तुम्हारे यहाँ भाई बर्थडे थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वो अपनी बर्थडे का बना ले भाई, सुबह ही पता चला। अच्छा भाई, इसको साइड पर रख दिया और इसका हम सेंटर फिल कर लेंगे। अच्छा, वैसे क्रीम्स बाजार में भी मिलती है ना बनी बनाई डब्बों में? अच्छा देखो, फेंटी हुई क्रीम मिल जाती है, हाँ। तो आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहें ले लें, नहीं तो खुद फेंट लें, वो महंगी होती जाहिर है, हाँ। और एक एक लीटर के पैक आ गए हैं, अब इम्पोर्टेड क्रीम भी आ गई है तो वो बहुत अच्छी होती है, वो आपको धोखा नहीं देगी। अच्छा एक बात बताएं, अगर हम चॉकलेट केक के अलावा कोई और केक बनाना चाहें तो फिर उसकी क्रीम कैसे बनेगी? अच्छा, उसके लिए आप सिर्फ क्रीम को फेंटेंगे चीनी डाल के और वनीला एसेंस डाल देंगे उसमें। अच्छा सही, बस और कुछ भी नहीं। गुड,
आज तो बच्चे शौक से देखेंगे, फिलहाल तो बड़े देख रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम अच्छा सा प्रेस कर देंगे। सही। और उसके बाद इसको उतार देंगे। अच्छा, जग इसको थोड़ा सा हमें क्रीम लगाने वक्त लगाते वक्त जो है वो इसको साफ करना ज़रूरी है साइडों को ना, ताकि वो अच्छी तरह से क्रीम लगे उसके ऊपर, नीटली लगे। अच्छा, इसके ऊपर भी अप्लाई। मुझे जरा सी हाइट चाहिए, कोई चीज़ मिले। ये प्याला देना मुझे, ये बड़े वाला। हाँ, ये प्याला दे दो। उल्टा करो, ये बहुत बड़ा है। नहीं, मैं ये बनाऊँगी। गिर ना जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये वाओ, ये क्रीम तो मैंने चखी नहीं अभी तक। मैंने चख भी ली, बहुत मजे किया। देखिए, हमें चमचा नहीं मिला था, इसलिए हमने ऐसे ही चख लिया। अच्छा, चॉकलेट केक्स जितने भी हैं ना, चॉकलेट केक्स जितने भी हैं ना, अगर उनको आप रफ रखते हैं ना, उन पर खूबसूरती आती है। चॉकलेट क्योंकि डार्क कलर की होती है ना, डार्क कलर को आप बहुत ज़्यादा शेप ना दें, तो उससे ये है कि जो चॉकलेट, हाँ, उसकी अपनी खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। आप अपने घर में सबसे ज़्यादा कौन सा केक बनाते हैं? यार, मेरे बच्चे मुझे केक याद दिलाते हैं। मैंने पता नहीं कितने बरस पहले, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो तब मैंने चॉकलेट केक, नहीं कुछ नहीं हुआ, बच गया। वो गिर जाता तब भी बच जाता। तो वो चॉकलेट केक जो था ना, वो मैंने बनाया था, उसमें मैंने रोस्टेड आलमंड्स डाले थे। क्या डाले थे? रोस्टेड आलमंड्स, बादाम डाले थे। तो बच्चे जो हैं मुझे वो वाला केक याद दिलाते, मुझे याद ही नहीं आता मैंने कौन सा बनाया था यार। लेकिन मैंने इतने केक्स बनाए हैं कि वो याद भी नहीं, याद नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो चीज के, स्ट्रॉबेरी, बनाना, हर फल का। लेकिन घर में भी यूजुअली, मेरे घर में सब तरह के बनते हैं। अच्छा, मैं फ्रूट बेस्ड केक्स जो हैं वो बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, बहुत पसंद करती हूँ। अभी जो, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसी वक्त खाने के होते हैं, जो फ्रूट से बनते हैं ना केक्स। लेकिन चाय के साथ यही अच्छे लगते हैं, ब्राउनी, चॉकलेट। अगर अगर आपने चाय के साथ फ्रेश केक भी अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रूट का केक अगर आपने खा लिया ना गरम गरम, और उसको आप क्रीम के साथ या आइसक्रीम के साथ सर्व करें, सही। बहुत लजीज होता है। पीच केक बहुत लजीज बनता है। चलिए जी, वो उसको भी देखना है, 6 मिनट हो गए, देखते हैं। बेहोश ना हो जाए वो पक पक के। नहीं होगा, गर्मी बहुत है वैसे ही आजकल। अच्छा, थोड़ा सा हम अपना इसको पाइपिंग बैग के साथ भी करेंगे। सही। वेरी नाइस। ठीक है भाई, अब जरा देख लेते हैं केक को, जो वेरिया ने याद दिलाया। और डन है जी, बन गया, देखा, डन थोड़ा सा, पार्टी ऑन है। अच्छा जी, मुझे मैंने वुडन स्कीपर अपना रखा था, जवेरिया ढूंढो क्या कह रही थी, सब चीज यहाँ है और है, और है ना। हाँ। मैंने आपसे कहा हर चीज मिलेगी आपको। अच्छा भाई, इससे घर में आप चेक करें, अगर आपके पास ऐसे लकड़ी की स्टिक्स हैं उससे चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये नाइफ की नोक होती है ना, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। माचिस के तिनके से भी चेक कर सकते हैं। माचिस का ही होता है कि यार वो छोटा भी होता है, अंदर ही रहेगा। अच्छा देखो, अब इंडिकेशन बता दें डननेस की ना। जी जी। अच्छा, कैसे पता चलता है कि नहीं अभी कच्चा है? देखो अभी कच्चा है, वो वापस आ गया ना, लग जाएगा इसके बाद, कच्चा होगा तो इस पे लग जाएगा और ऐसे लगेगा। देखो, दिखा दिए, ऐसे लगेगा। और अगर ये बेक हो चुका होगा तो ये क्लीन निकलेगा अंदर। सही, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा नाम लिख दें केक पे जल्दी से। हाँ, डेकोरेशन ना। हाँ, अब डेकोरेशन, अब डेकोरेशन। अच्छा, इसके लिए ड्राइंग डेकोरेशन अभी करें या ब्रेक से आने की बात करें? है ना, छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बताएंगे कि और किस तरह से इसको सजाया जा सकता है। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। वेलकम बैक। सॉरी, मैं खोपरा खा रही हूँ, वो नहीं चल रहा, मैं अचानक आ गया। आप कहाँ तक पहुँच गई हैं आप?
इस वक्त आपा नहीं काम कर रही है। राहत कहाँ पहुंची तुम? सुनो शेफ, तुमने शेफ किसी आपा को केक बनाते देखा? हाँ। कौन सी आपा को देखा भाई? मैं हूँ ना, मुझे काफी लोग आपा कहते हैं। ये बैठा हुआ शबी, ये आपा कहता है, बहुत सारे बच्चे आपा कहते हैं। खोपरा खाना बंद करो, इधर आ जाओ। अच्छा बेबी बताओ ना कहाँ तक पहुँची? बेबी अभी काम कर रही है ना। ये आप इसमें हम और भी कोई क्रीम डाल सकते हैं ना, व्हाइट वाली या कोई और? व्हाइट फिर चॉकलेट के साथ में मजा नहीं रहेगा ना, अभी चॉकलेट का फ्लेवर कम हो। ओके, तो इसलिए आपको इसमें चॉकलेट को ही इस्तेमाल करें। चॉकलेट को आप और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरीके हैं। और डालेंगे थोड़ी सी। कैसे कैसे केक बनाते हैं लोग। ये अभी मैंने अपने बेटे की सालगिरह पे केक बनवाया था, उस पर उन्होंने पूरा सुपरमैन बनाकर दिया, यूं करके खड़ा हुआ। और मजे के लगते हैं। हाँ, वो बहुत मजे का केक था। हाँ, तो हाँ, वो आई थी, मैं तो आई थी। अच्छा, ऑनलाइन भी अक्सर काफी लोग केक वगैरह बना रहे हैं और ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। हाँ, डिजाइन्स वहीं से ले। भाई मेरा पंखा चलाना पड़ेगा। भाई जहाँ मीठा होता है बिल्कुल, वहाँ मक्खियाँ तो आती ही हैं। बाबा कितना आपका हाथ इतना बैठा हुआ है हर चीज के ऊपर, क्या बात है। जवेरिया केक निकालो। कहाँ से? ओह तुमसे नहीं निकलेगा ये, मैं निकाल, तुम नहीं निकाल पाओगे। मैंने भी क्या काम बता दिया। अच्छा जी ये डन है शेफ, आपका केक गया। सही किया रे, ये गुड गुड गुड, सही किया। मतलब आप अच्छी स्टूडेंट हैं इनकी। ये ले। हाँ कर सकती हूँ, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते, लेकिन ये गलती की तुमने यहाँ से दबा दिया। अच्छा कहाँ? अच्छा ये भी तो बताएं कहाँ से नहीं दबाना। देखो इसमें भर लिया ना, तो यहाँ से दबाओ, यहाँ से। सही है, सही है, थोड़ा टाइट बीच में नहीं करना। वैसे हम लोग यही करते हैं, टूथपेस्ट भी बीच में से ही घुसे हुए होते हैं। भाई पीछे से आना शुरू करें, नहीं बीच में से निकालेंगे, जल्दी निकल जाए जरा। जो तुमने बनाया था उसको मैंने हटा दिया। सही, क्यों हटा देगा? कितनी जेलस हो रही है मुझसे, मेरा हटा दिया, मेरा लगाया वो हटा दिया इन्होंने। एक इन्होंने कहा कि क्यों मैं शहीदों में नाम लिखाऊं उंगली के साथ, तुम्हारे जैसा होता ना तो फिर वो जैसा नहीं आता। सही सही। अच्छा अब हम इसका थोड़ा बॉर्डर भी बनाएंगे। बॉर्डर ओके, क्या चॉकलेट केक बन रहा है, जबरदस्त। Good. बस अगली सालगिरह पे जो मेरे घर में होगी ना, मैं आपसे ही बनवाऊंगी केक। हाँ भाई मैं और आपकी तरफ से गिफ्ट होगा वो। गुड वन। क्या बात है। और अभी हमने कपकेक को भी करना है। कपकेक, कपकेक्स है ना वो, खोलो ट्रे में है। आपके घर में बना, ये आप बेकरी से ले आए? अच्छा आपा क्या मशीनों से बनता है केक? बिल्कुल मशीनों से बनता है, बहुत केक्स की बहुत वैरायटी है। चलिए जी इट्स डन। अच्छा ये हो गया, जो भी नाम जिसका हो वो आप लिख सकते हैं व्हाइट से। अच्छा भाई अब हम नए सिरे से इसको फिल करेंगे। अच्छा कुछ हम इसको सजा वजा दें। इसको रीफिल करेंगे इसमें, अगर ये वाला डालेंगे ना ये वाले। हाँ इसके लिए अरे मैंने बिस्किट के लिए रखे हैं, लगता है ना ये बिस्किट के अंदर। हाँ चलो ये तो हो गया। चल भाई ये हुआ, अब कपकेक्स उठाओ। क्या बात है, क्या उठाऊं? कपकेक्स ये लीजिए। अब कपकेक जो है वो हटा दूं। अच्छा एयर आ, अच्छा कभी एयर आ जाती है
तो जरा सा दबा के मेहंदी लगाते हैं जब भी ऐसे होता है तो ना इसमें आप निकाल के थोड़ा सा एयर क्लियर कर दें। और जी जब तक ये तैयार हो रहा है हम एक गाना सुन लेते हैं। आज शबी की कल शबी की सालगिरह थी, आज हमने विश किया है। और शबी कितने खुश हो तुम अपनी सालगिरह पर, जरा हमें गा के बताओ। बहुत ज्यादा। तो जी शबी के लिए बहुत सारी तालियां। वाह जी शबी बहुत अच्छे जबरदस्त। और आप ये वाले तो दिखाएं जो आप जो बेक किए हैं वो तो दिखाएं। अच्छा बड़े वाले को भी आप उसी में बेक करेंगे। यार बिस्किट्स भी बताने थे, बिस्किट्स हाँ हाँ अभी टाइम है। देखें ठीक है, निकाल के बता दूं मैं। ये एक निकाल के जरा बता दें उसके ये देखें इसकी बार मैंने रखा था। निकाल लिया मैंने। निकाल लिए ओके। मैंने भी निकाल लिया। चलो अब इसको तुम लोग हम इसको डेकोरेट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे लेकिन पहले ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ रहिएगा। देखिए रहिएगा सत्र की वापस आ गए हैं और तमाम चीजें यहाँ पे तैयार हैं। और आपा से अब मैं पूछूंगी कि जो हम कुकीज बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें आपने इसमें डाली हैं? अच्छा इसमें मैंने डाला है 3/4 प्याली चीनी है। 3/4 प्याली चीनी चीनी और 1.5 कप मैदा। 1.5 कप मैदा और 1 अंडे की जर्दी है। 1 अंडे की जर्दी और 1/2 चाय का चम्मच है इसमें वेनीला एसेंस। 1/2 चाय का चम्मच वेनीला एसेंस और तकरीबन 100 ग्राम मक्खन। 100 ग्राम मक्खन ठीक है। अच्छा ये जो मैंने किया हुआ जो आपको ये रेड कुकीज नजर आ रही है ये वाले हैं, ये जो आपा बना रही हैं, ये देखिए जरा ये जैम है। ये जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम भरा हुआ है हमने इसमें। और पहले ये करेंगे ठीक है ना, उसके बाद ठीक है ये। और बेक करने के लिए जो मेरा स्टोन अवन है उसमें रखेंगे मीडियम से थोड़ी ज्यादा हीट के ऊपर। मीडियम से ज्यादा। और अगर अवन में बना रहे हैं तो अवन में 190 सेंटीग्रेड के ऊपर। 190 सेंटीग्रेड। और फारेनहाइट में अगर आपका है तो 375 टेम्परेचर पे रखेंगे। फारेनहाइट डबल और जाता है? नहीं डबल नहीं होता, फारेनहाइट सेंटीग्रेड से कम होता है तो इसलिए उसका टेम्परेचर डबल। अगर सेंटीग्रेड 150 जा रहा है तो फिर वो उसी हिसाब से डबल हो जाएगा। सही। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला। और इसके अलावा आपने गोल बनाना है जैसे वो मैंने बनाए पिस्तम ये वाला पिस्ते वाला। हाँ पिस्ते वाला देखें जी ये दिखाएं। तो आपने गोल बनाना है, इसमें अंडा इस वक्त यहाँ पे नहीं है, अंडा लगाना है। अंडा लगाने के बाद ये पिस्ते इसके ऊपर आप लगा देना ऐसे लगा देने हैं और इनको 190 सेंटीग्रेड के ऊपर आप बेक करेंगे। सही। और बस इतना इस पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको और अवन को देखते रहें। तकरीबन 7-8 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, जब इसके किनारे थोड़े से गोल्डन से हो जाए फौरन निकाल लें। सही ठीक है। ठीक है और इसके अंदर और इसमें कितना टाइम लगता है? किस में ये तो इसमें 10 मिनट में बन जाए। 10 मिनट में बन जाए। हाँ। और जी ये कपकेक्स और ये कुकीज भी दे देती हूँ मैं। कुकीज और कपकेक्स मैं अपनी ऑडियंस को भी तो खिलाऊ ना, जरा उनको भी तो पता चले कि क्या तीर मारा है हमने यहाँ पे खड़े होकर। तुमने कहा तीर मारा, सारे तीर तो मैंने मारे। वाह वाह आप आगे तीरों के लिए तीर मैं मार रही हूँ, नाम इनका हो रहा है। वाह 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 बतीर गुशा अले आपा के तीरों के लिए तालियां। हाँ जी सबसे पहले मैं इस प्यारी सी बच्ची को I'm not afraid of the dark.
भाई, तालियां बताएंगी आप लोगों की। और कितना टाइम है आप? 3 मिनट। शबी इधर आ जाओ, चलो जल्दी से। अब तुम काटोगे केक, क्योंकि ये केक जो बना है इसको, और शबी से ना मैं बड़ी वाली छुरी से कटवाऊंगी केक आज। शबी आज तुमसे ऐसी छुरी से केक कटवाऊंगी कि तुम्हें याद रहे, कि तुम याद को याद करोगे। गा 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 गा। और क्या? तो और चलो, कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? ये थोड़ी बताएगा, बताते अपनी उम्र है। 25 के। अच्छा, पूछने की जरूरत क्या है? जाहिर है बड़ी है उम्र है, जाहिर है बड़े हो गए, छोटे तो नहीं है। ये मुझे आपा बोलते हैं ना, इसलिए करीब आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शफी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने दोस्तों को ले आके खिलाओ, बहुत जान मारी आज इन्होंने हैप्पी बर्थडे गाने में, खासकर अजहर ने। हाँ बिल्कुल, चलो इनसाइड दिखा दे, केक का इनसाइड देखें। राहत शेफ राहत ने कि किस तरह आप आ जाइए, किस तरह आप लोग जो है घर पे बगैर ओवन के भी केक बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं, ब्रेड्स वगैरह हर चीज बनती है। हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग, इवन रोस्टिंग भी होती है। रोस्टिंग मीट आप रोस्ट करना चाहें, टिक्के बनाना चाहें, नान बनाना चाहें, एवरीथिंग, पिज्जा, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो जी शेफ राहत के लिए बहुत सारी तालियां, के लिए समन के लिए बहुत सारी तालियां, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा आज। और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताते रहें जो कि आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करें। और जी केक आपको यकीनन पसंद आए होंगे, कुकीज खाए आपने, केक खाया, कप केक खाया, और अब घर में इनको बनाइएगा, तजुर्बा करें। एक दफा गलत होगा, दूसरी दफा, तीसरी दफा जरूर सही होगा। तो जी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल तक, नहीं मंडे तक के लिए इजाजत दीजिए। और आज जुम्मे है ना भाई? कल जुम्मे, अच्छा आज जुम्मे, मुझे याद नहीं है आज जुम्मा नहीं है, आज जुम्मे, अरे आज जुम्मा है ना भाई, फिर क्या फर्क। और जी जुम्मा सबको मुबारक हो, दुआ कीजिएगा नमाज पढ़ के, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए। जब तक के लिए, मंडे तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।